राष्ट्रीय कला मंच द्वारा जल जेटी रामगढ़ ताल पर रविवार को मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के तहत नेशन फर्स्ट वोटिंग मस्ट कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम में बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं द्वारा रंग बिरंगी रंगोली बनाकर मतदाताओं को अधिक से अधिक वोट देने का संदेश दिया गया। कार्यक्रम में कवि सम्मेलन, कार्टूनिंग और रंगोली के माध्यम से छात्र छात्राओं ने जेटी पर आए लोगों को अधिक से अधिक मतदान करने का संदेश दिया। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नेशन फर्स्ट वोटिंग मस्ट मतदाता जागरूकता कार्यक्रम की संयोजिका प्रोफेसर उमा श्रीवास्तव ने कहा, जितनी भी मीडिया होती है, तो हम तो जो पढ़े लिखे मतदाता है, प्रबुद्ध है, उनको तो समाज का जागरण करना चाहिए कि सब निकले और सामने आए और वोट दे। इसलिए आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप जागरण भी करिए, सबको मोटिवेट भी करिए और वोट देने आइए। लोग रोटी खाएंगे पर वोट देने जाएंगे, मतलब गरीब से गरीब आदमी भी अपने लिए बड़ा सजग है कि वो वोट देने। आश्वासन सिंह जी हैं राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य, इसके साथ ही और घोष करेंगे। मेले में हम सबको भी फूट लाएंगे। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए भागे टूट जाते हैं, लोग आजादी का सूरज कभी भूलने नहीं। रुक जाएगा वोट पे ठगी का खेल, वही रुक जाएगा। विषय एक नेशन फर्स्ट वोटिंग एक मत की किया तो वोट मतदाता मंच बने। कहना चाहता हूँ कि सारे बार बोलेंगे राष्ट्रीय कला मंच गोरखपुर द्वारा गोरक्ष प्रांत के गोरखपुर में महानगर में नौका विहार पे कलाकारों के माध्यम से, कार्टून के माध्यम से, रंगोली के माध्यम से, काव्य कपाट के माध्यम से ये संदेश दिया जा रहा है कि जो लोकतंत्र का महा उत्सव मनाया जा रहा है उसमें सभी युवा निकल के आए और अपना वोट दे। दुनिया जानती है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और सबसे बड़ा युवाओं का देश है। इस युवा देश होने के कारण यहाँ युवाओं की बड़ी भूमिका हो जाती है कि वो समाज को जिस तरफ ले जाना चाहते हैं वो ले जा सकते हैं। अगर युवा तटस्थ रहेगा तो समाज के निर्माण में अपनी भूमिका नहीं निभा पाएगा। इसलिए सबको निकल के युवाओं को का जागरण किया जा रहा है, उनको उत्साहित किया जा रहा है कि वो निकल के सबका जागरण करें और पहले मतदान फिर जलपान। नेशन फर्स्ट वोटिंग मस्ट, देश के लिए हमको वोट करना है, इस तरह का संकल्प ले।